सब बोलिए अकबर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया। एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो तीन या चार प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। मित्रों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय गुरु जी ने कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताया है। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज में डूब चुके हैं तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय करने से आपकी कर्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है। ये उपाय आपको मात्र एक चावल के दाने से करना है, पर चावल का दाना आपको संपूर्ण लेना है। कोई भी आप महादेव को वस्तु चढ़ाते हैं, संपूर्ण वस्तु महादेव को चढ़ाई जाती है। तो आप जब भी चावल के दाने का कोई भी उपाय करें तो चावल का दाना संपूर्ण लें। कहीं से टूटा फूटा आधा चावल का दाना आपको कभी भी नहीं लेना। एक चावल का दाना लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चावल का दाना समर्पित करना है और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो कर्ज की समस्या है, उसका भी स्मरण साथ में करते रहिए। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है और प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल शाम का समय, सूर्यास्त होने के बाद या सूर्यास्त होने से 15-20-30 मिनट पहले तक का जो समय है, उसी समय के अंदर आपको यह उपाय करना है। अगर आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन महादेव को एक चावल का दाना समर्पित करते हैं तो महादेव आपकी कर्ज की समस्या जल्द से जल्द समाप्त कर देते हैं। आपको कर्ज उतारने के अलग अलग रास्ते महादेव खुद दिखाते हैं। इसलिए अगर आप भी कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आज का ये उपाय आप एक बार जरूर करना। महादेव ने चाहा तो आपकी कर्ज की समस्या भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरु जी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय लेकर आता हूं और गुरु जी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूं। मिलते हैं किसी अगले उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।